लाखों रुपए खर्च कर बनाई गई गौशाला में एक भी गौवंश मौजूद नहीं है। जी हाँ, सुनकर ये ताज्जुब हुआ होगा, लेकिन सतवास तहसील के चंद्रकेशर बांध पर 15 महीने की कमलनाथ सरकार द्वारा स्वीकृत तथा भाजपा शासन काल में निर्मित गौशाला को तकरीबन 3 साल हो गए। यहाँ गौशाला अभी तक प्रारंभ ही नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार शासन से स्वीकृत राशि करीब 38 लाख से चंद्रकेशर बांध के समीप निर्मित गौशाला अभी तक गौवंश का इंतजार ही कर रही है, जबकि सैकड़ों की संख्या में गौवंश सड़कों पर डेरा जमाए बैठे रहते हैं और अनेकों बार दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं। यही नहीं, रात्रि के समय गौवंश खेतों में जाकर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नगरीय क्षेत्र में अनेकों बार गौवंश द्वारा नागरिकों के बच्चों पर हमला कर चोटिल भी कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी गौवंश को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई गौशाला आज भी गौवंश का इंतजार ही कर रही है। अब देखना यह होगा कि आखिर यह गौशाला कब प्रारंभ होती है और गौवंश सड़कों से कब गौशाला में पहुंचते हैं। गौशाला बांध पे है, वो चालू होनी चाहिए। मवेशियों रात में जाती है, दिन भर पुल पे बैठते हैं, सोयाबीन में नुकसान करते हैं रात भर। हमारे यहाँ जो मवेशी हैं इससे बहुत दुर्घटना होती है। क्या मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, बच्चे हैं, ये क्या मेन रोड है पूरा, ये जमा रहता है। इससे इतनी परेशानी हमें कि मेरा बच्चा कल भी यहाँ गिरा था जो नदी के पार हिट जाता। अगर कुछ होता है तो प्रशासन इसके जिम्मेदार रहेगी, ठीक है। और दूसरी बात, ये रात में जितने भी हैं ये लोग, ये गाय ढोर वगैरह जो भी हैं मवेशी, ये खेतों में रात में चल जाते हैं। 8,000-9,000 का हमने सोयाबीन बोया है, अब इसमें परेशानी कितनी है, पूरा खा जाते हैं रात में। दूसरी बात, हमारा सामने माँ है मोहरम है, मोहरम में यहाँ से हमारा जुलूस वगैरह निकल रहा है, इसमें बहुत परेशानी है। हमारे यहाँ 1 साल से गौशाला बन के कम्प्लीट हो चुकी है, मगर अभी तक उसको चालू नहीं किया है। और यहाँ आए दिन गायों का एक्सीडेंट होता है, गायों से लोगों का एक्सीडेंट होता है, इसमें 2-3 लोगों की जान चली गई है। और अभी 4 दिन पहले यहाँ पे गाय के पैर के ऊपर गाड़ी चढ़ गई थी, उसका सरकारी डॉक्टर को बुला के इलाज भी करवाया है हम लोगों ने। सतवास से हरिओम तिवारी की रिपोर्ट।